मेरे प्रेम पत्र वो पहुंचा रहा है स्नेह भरे चुंबनों के साथ, और मुझे अजीब कहता है ना, अजीब बात। तो आइए देखते हैं कि हम कहां तक पहुंचे हैं। वो औरत अब मुझसे मिलने के लिए झटपटा रही है। उसे ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में और कोई उसे समझता नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं जो उसे अंडरस्टैंड करता हूं। बोलता उसका पति है पर शब्द मेरे हैं। हाँ, माना कि मैं बहुत बेरहम आदमी हूं, मगर ये सब कामों में बेरहमी लगती ही है। अब आइए देखिए मेरा आखिरी वार मैं किस बेरहमी से करता हूं। मगर हाँ, कमजोर दिल वाले कृपया अपने आंख बंद कर ले। नहीं निकी, नहीं, एक शब्द नहीं कहोगे, कुछ मत कहो, मुझे नहीं सुनना है। वो भी मुझसे यही कहता है कि मैं तुम्हें कुछ ना कहूं, क्योंकि फिर उसका दुख तुम्हारे पास आ जाएगा। दुखी है बहुत ज्यादा, आंखें वीरान, दिल परेशान, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, बड़ा अकेला अकेला सा रहता है। हे भगवान, कुछ हो तो नहीं गया उसको? ठीक है ना वो? तन्हाई, अकेलापन, उसका कोई है भी तो नहीं यहाँ पे, ना कोई माई बाप, ना कोई रिश्तेदार, ना उसे कोई समझता है। तुमने उसे नहीं कहा कि मैं, हम उसे समझते हैं? तुमने ये नहीं कहा कि मैं उसको, हम उसको कितना पसंद करते हैं, उसके उसके लिए कितना ख्याल करते हैं? तुमने नहीं बताया मुझे, हमें उसकी कितनी चिंता होती है? नहीं बताया तुमने? मैंने बोला था उसको, आजा हमारे घर पे खाना खाने के लिए, थोड़ा मन बहल जाएगा, लेकिन नहीं। उसे लगता है कि अगर हम दोनों उसके साथ रहें तो हम भी दुखी हो जाएंगे। अकेलापन खा गया है उसको, फिर वही बगीचे में घूमते रहता है। बगीचे में घूमते रहता है? कितने बजे? ये कुछ 8-9 बजे। अरे हाँ, मैंने डिकोस्टा आंटी को बोल दिया है कि हम लोग डिनर करने आ रहे हैं, तो 8-9 बजे चलेगा ना? नहीं, मुझे वो सोफिया आंटी के घर जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। तुम डिकोस्टा आंटी को बोलो ना, थोड़ी थोड़ी देर हो जाएगी, 9:30। ठीक है। नहीं नहीं, तालियां नहीं, क्योंकि इस महान उपलब्धि का श्रेय केवल मुझे अकेले को नहीं जाता, ये जाता है मेरे प्रिय मित्र निक्की उर्फ पतिदेव को। उन्होंने अपनी पत्नी पे कुछ ऐसी चाबी फेरी है कि अब देखिए वो कैसे दौड़ी चली आती है मेरी तरफ। मेरी जान, मेरे हंसी ख्वाबों की ताबीर, ये जो एहसास मेरे सीने में इतने समय से मचल रहे हैं, इन्हें अब इन होठों पे लाने का समय आ गया है। अब मैं कहूंगा कि नहीं निकी, नहीं पीटर, तुम एक शब्द नहीं कहोगे, कुछ नहीं कहोगे, तुम सिर्फ मुझे सुनोगे आज। मुझे पता है तुम मेरे पति के जरिए संदेश भेज रहे थे, तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं समझ पाऊंगी? मैं सब समझ सकती, पता नहीं तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है या नहीं, लेकिन मैं मानती हूँ तुमने मेरे दिल में ऐसी मोहब्बत का जुनून पैदा कर दिया है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मेरी अहम को भरमाया, मैं भर गई। तुमने मेरे टूटते रुख पे हाथ रखा, मैं हार गई। तुमने मेरे मन के अनछुए तारों को छुआ, मैं जल उठी। तो मैं आज इधर खड़ी हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने, तुम्हारे खातिर। लेकिन मुझे तुमसे एक बात और कहनी है, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, वो बहुत रोमांटिक तो नहीं है, लेकिन हमारा वैवाहिक जीवन आसमान की तरह आनंद तो नहीं है उसमें, पर
और पताल की तरह गहराई भी नहीं है। हमारा वैवाहिक जीवन समतल सहज साधारण है। वो मेरे को दिल से प्यार करते हैं और मैं उनसे, वो मेरे लिए पूरी तरह समर्पित है और इस विश्वास के लिए मैं हर बात के लिए उसके लिए संतुष्ट हूँ। और अगर तुम्हें मेरे जिस्म की हसरत है तो तुम पाल लो मुझे, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो उधर मुंह कर लो, मैं चली जाऊंगी बिना बोले। ये फैसला मैं तुम पे छोड़ती हूँ। शुक्रिया पीटर, शुक्रिया।